हेलो गाइस, बेस्ट बेस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के सेकेंड पार्ट टू, इसको पार्ट टू है, कितना है, पार्ट टू है, इसको आज खत्म कर देंगे। हम लोग पार्ट वन में इतना हम लोग क्षेत्र पढ़ लिए थे पूरा बारीकी से, कौन कौन कहाँ पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, कौन से शहर में है। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जनसंख्या यहाँ बहुत सारा आदमी लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं जनसंख्या यहाँ। उसके बाद जनसंख्या है, अब इधर देख लेते हैं, इधर वाला प्रदेश क्या नाम है, इधर वाला के सबके सबसे छोटे छोटे जिला और सबसे बड़े बड़े जिला और फेमस शहर वाले पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले हम इसका भौगोलिक विभाजन करते हैं कि कैसे आखिर करते हैं। तो बताए थे पिछले वीडियो में, इतना वाला को क्या बोलते हैं, पश्चिमी प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी प्रदेश बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी प्रदेश हो गया। उसके बाद देखिए, ये वाला जगह को हम बोलते हैं अवध। क्या बोलते थे? अवध। क्या बोलते हैं? अवध बोलते हैं। उसके बाद देखिए, ये वाला को आपको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं पूर्वांचल। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। इसके बाद क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, इसको सॉरी, इसको बोलते थे पूर्वांचल। इसको कहते हैं पूर्वांचल। ये वाला यहां कर दिए, ये वाला पूर्वांचल है। और इसको ही क्या कहते थे? इसको कहते थे बुंदेलखंड। क्या बोलते थे? बुंदेलखंड। इसको कहते हैं, ये वाला क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं। ये वाला बाबू साहब को क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूर्वांचल। एक विभाजन तो इस तरह से हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश को आप एक तरह से और विभाजन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पूरा रुहेलखंड। क्या बोलते हैं? रुहेलखंड। रुहेलखंड इसको कहते हैं। ये वाला बाबू को बोलते हैं गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं? गंगा, गंगा का मैदान, का मैदान। अरे लाट साहबा को बोलते हैं अवध। क्या बोलते हैं? अवध। तो दो तरह से हम आपको बताएं विभाजन, इसको रुहेलखंड, अवध, ये गंगा का मैदान। इसको क्या कहते हैं? गंगा का मैदान। एक बताए थे इधर पहले पश्चिमी प्रदेश, इधर अवध, इधर पूर्वांचल, यहाँ बुंदेलखंड। इस तरह से दो तरह से आप उत्तर प्रदेश को विभाजन कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर के बारे में जानते हैं। देखिए, आपका देखिए यहाँ सबसे पहले एक आपका यहाँ जिला है जिसका नाम है लखीमपुर खेरी। क्या है? पहला देते हैं इसको और यही लिख देते हैं, लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी, देखिए लखीमपुर खेरी में आपका जो देखिए इधर ऊपर साइड में यहां दुधवा नेशनल पार्क है। कौन है? दुधवा, दुधवा, अरे सॉरी, दुधवा नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क, नेशनल। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खेरी में है। लखीमपुर का खेरी का एक खासियत है कि सबसे बड़ा जिला है। क्या है? सबसे बड़ा, बड़ा जिला है ये। सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का कौन है? लखीमपुर खेरी है। और क्या है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खेरी है। इस तरह से लखीमपुर खेरी के बारे में आप जान सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपका इधर जो है एक कोना में, इधर आपका यहां मान लेते हैं दो, क्या दो, इसको गौरखपुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौरखपुर। क्या
क्या बोलेंगे इसको, गोरखपुर बोलेंगे। गोरखपुर देखिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लंबा या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में। देखिए प्लेटफॉर्म इस तरह से मतलब इस तरह से लंबा है, मान लीजिए कि एक यहाँ रेल खड़ा रहता है, उसके पीछे एक और रेल खड़ा कर रहता है, तो इस तरह से जो बनाया गया ना, इस तरह से बहुत सारा लंबा बना दिया है, चौड़ा नहीं ज्यादा है लेकिन लंबा बना दिया गया है कि मतलब दो चार पांच यहाँ ट्रेन खड़ा रह सकता है। इसीलिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है, गोरखपुर को कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में कहाँ है, गोरखपुर। तो दो को खत्म कर दिए, एक यहां देखिए, यहां तीसरा लिखते हैं, यही लिखते हैं श्रावस्ती, इसको कहते हैं काची श्रावस्ती। देखिए श्रावस्ती किसके लिए फेमस है, श्रावस्ती जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ज्यादा यहाँ माना था, ज्यादातर रखिले बौद्ध धर्म को यहाँ पूजा किया जाता है, तीर्थ स्थल जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल, का तीर्थ स्थल जैसे बौद्ध गया है फेमस, उसी तरह से श्रावस्ती भी फेमस है तीर्थ स्थल, पिलग्रिम्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए तीर्थ स्थल कहाँ है, श्रावस्ती में है। उसके बाद आपका यहाँ लखनऊ है, यहाँ चार लेते हैं और लखनऊ यही लिख देते हैं। लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश का पूरा यही राजधानी इसका यही है, कहाँ है लखनऊ में। और भूल भुलैया यही है, भूल भुलैया कहाँ है, लखनऊ में है भूल भुलैया। अरे वहां जाइएगा तो पता चलेगा कि कौन गेट से कहाँ निकले, मतलब आपको लगेगा कि उसी गेट में आए हैं, मतलब आप वहाँ अचंभा हो सकते हैं, मतलब भूल जाइएगा, इसीलिए इसको भूल भुलैया नाम दिया गया है, भूल भुलैया। क्या बोलते हैं, भूल भुलैया लखनऊ में है, कहाँ है लखनऊ में है। देखिए लखनऊ हो गया, लखनऊ के जस्ट नीचे देख रहे हैं, जस्ट नीचे समझ रहे हैं ना, यहाँ है कानपुर, क्या है कानपुर, यहाँ दे दीजिए पांच, ठीक पांच। देखिए कानपुर क्या चीज के लिए है, यहाँ आईआईटी कानपुर है, जानते हैं आईआईटी कानपुर, और कानपुर के लिए क्या फेमस है बताइए। यहां देखिए लेदर इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा यहां योगदान है, यहां क्या है लेदर इंडस्ट्रीज। अरे लेदर का जितना सारा सामान वामान थोड़ा बहुत बनता है ना, कानपुर बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए, लेदर इंडस्ट्रीज के लिए, किसके लिए लेदर इंडस्ट्रीज के लिए। कानपुर हो गया, देखिए इधर देखिए छठा, यहां मानते हैं छठा, मतलब नीचे है छठा, छठा में आपका झांसी है, क्या है झांसी। देखिए झांसी की किला कहाँ है, झांसी की किला झांसी में है। अभी हम पूछेंगे आपसे झांसी की किला। फिर देखिए लखनऊ के जस्ट इधर, देखिए जस्ट इधर यहां है कन्नौज, क्या है कन्नौज, यहां लेते हैं सेवन, यहां कन्नौज। कन्नौज देखिए मतलब सातवीं सदी और आठवीं सदी में उस समय राजधानी कहाँ रहा करता था, कन्नौज रहा करता था हर्षवर्धन के समय, किसमें समय हर्षवर्धन के समय,
हर्षवर्धन के समय। एक यहाँ कहानी है कि देवीराज को यहाँ हत्या कर दिया जाता है नीचे के शासक के लोग, मतलब इधर एमपी वाला शासक किसको मार देता है देवीराज, इसका मतलब कहानी है इतिहास में, बहुत ही अहम भूमिका है। लेकिन हर्षवर्धन के समय में कहाँ राजधानी था, कन्नौज था, उसमें उसको क्या कहा था, अखाड़ा कहा जाता था, युद्ध के लिए अखाड़ा कहा जाता था, ये आपका कन्नौज है। अखाड़ा किसको बोलते हैं, जहां बहुत सारा सेना लोग आज के लड़ते हैं उसको बोलते हैं अखाड़ा, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं अखाड़ा कहते हैं, युद्ध का जो मैदान होता है उसी को बोलते हैं अखाड़ा। कन्नौज हो गया, हम लोग खत्म कर दिए कन्नौज को। देखिए उसके बाद यहां देखिए आपका एक यहां आपका सात आठ लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज में हाईकोर्ट है, ये पूरा उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है, प्रयागराज में है हाईकोर्ट, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट कहाँ है, प्रयागराज में। और देखिए यहां देखिए क्या होता है, इधर से आई गंगा नदी और इधर से आई अमुना नदी, दोनों का संगम स्थान जो आपका है गंगा और अमुना का, गंगा और अमुना का कहाँ है, आपका प्रयागराज में ही है। और इस तरह से इसको रगड़ सकते हैं, प्रयागराज में गंगा और अमुना का संगम स्थान है, और हाईकोर्ट कहाँ है, प्रयागराज में है। उसके बाद देखिए यहाँ आपका है वाराणसी, नौ नंबर है वाराणसी, देखिए वाराणसी में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ है, वाराणसी में है। और काशी, काशी देखिए काशी यहाँ, काशी किसके लिए फेमस है, काशी वहाँ पानी उठाने के लिए जाते हैं लोग, तो काशी यही है कहाँ, वाराणसी में है। इस तरह से और देखिए और भी जान सकते हैं यहाँ प्रमुख शहर के बारे में, यही देखिए आपका ये लखनऊ है, लखनऊ के जस्ट, अरे देखिए कानपुर, कानपुर के जस्ट यही आपका, मतलब लमसम में ही यहाँ आप यहाँ 9 और यहाँ 10 कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए 10 कर दिए यहाँ, यहाँ लिख देते हैं 10, इसको मिटा के देखिए। इस तरह से आपको लोकेशन याद रहना चाहिए, कोई भी राज्य का, कोई भी स्टेट का आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि समझ में आता है, ठीक है। और देखिए यहाँ आपका मिर्जापुर भी है ना, कि फिर 10 कर रहे थे कंप्लीट, देखिए 10 आपका क्या है, रायबरेली है, रायबरेली, रायबरेली यहाँ है, रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है अमेठी, तो यहां लिख सकते हैं अमेठी, जस्ट वही आपका अमेठी। ये रायबरेली के ही अंतर्गत आता है। आप लोग मिर्जापुर पढ़ते होंगे, मिर्जापुर हिस्ट्री में, तो मिर्जापुर यही है आपका 11 और यहाँ 12, मतलब जस्ट यही, यानी 12 मिर्जापुर। इस तरह से हम तमाम आपको जानकारी दिए, मिटा के क्या पूछे, मिटा के यही नाम लिखा हुआ, इस कारण से नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अनुमान होना चाहिए। यहाँ देखिए फर्स्ट में लखीमपुर खीरी, दो में देखिए गोरखपुर, तीसरा में श्रावस्ती, श्रावस्ती किसके लिए फेमस था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ज्यादातर बौद्ध धर्म का यही बहुत ज्यादा फेमस है, जिस तरह से बौद्ध गया है उसी तरह से यहाँ भी क्या है, श्रावस्ती में फेमस है। लखनऊ क्या है, कैपिटल है किसका, उत्तर प्रदेश का। भूलभुलैया कहाँ है, लखनऊ में है। मुख्यमंत्री सब कहाँ बैठते हैं, लखनऊ में, जहाँ हेडक्वार्टर रहेगा वहीं ना बैठेंगे। फिर देखिए कानपुर में क्या है, कानपुर में IIT कानपुर यही है। लेदर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ है, कानपुर में है, कानपुर में बहुत
बड़ा लेदर इंडस्ट्रीज है। झांसी क्या है, झांसी की किला है, ठीक है झांसी। और देखिए उत्तर प्रदेश का पक्ष मतलब इधर दक्षिण का सबसे दक्षिणी भाग वाला जिला कौन है, झांसी है, मतलब इधर सबसे दक्षिण में है। प्रयागराज इसका पहले नाम क्या था, अभी ऑफिशियल नाम क्या है, प्रयागराज है, पहले अलाहाबाद था, क्या था अलाहाबाद। यहाँ कुंभ मेला भी होता है, क्या होता है कुंभ मेला, प्रयागराज में होता है कुंभ मेला, कुंभ फेयर या फिर मेला ले सकते हैं। यहाँ लाख करीब करोड़ों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं इस मेला में। वाराणसी क्या है, यहाँ क्या है प्रयागराज में, यहाँ बताए थे कि गंगा और यमुना का केंद्र है, दोनों संगम स्थान है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पवित्र माना जाता है, गंगा नदी को पवित्र ही माना जाता है ना। वाराणसी क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी यही आपका है वाराणसी में है। उसके बाद गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इसी को कहते हैं प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ मतलब ये प्लेटफॉर्म है उसके पीछे ही बना दिया गया समझे, इधर चौड़ा नहीं किया गया, इतना सी चौड़ा टाइप नहीं किया गया, लंबा कर दिया गया है, ठीक है। कन्नौज क्या था उस समय, छठी शताब्दी और आठवीं शताब्दी में इसका अखाड़ा कहा जाता था, राजधानी रहा करता था कन्नौज, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। इस तरह से तमाम जानकारी आपको हम उत्तर प्रदेश के बारे में दे दिए, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।